मिलाम क्लास एम टू हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी गुड टुडे इज़ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन एंड द डेज फ्राइडे आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का हमारा कॉन्सेप्ट है हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एच से हार्ड एच ए आर डी हार्ड एज हार्ड एंड एस ओ एफ टी सॉफ्ट एस ओ एफ टी सॉफ्ट एस सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड का मतलब होता है सख्त चीज़ सख्त हार्ड चीज़ सख्त चीज़ एंड सॉफ्ट नर्म सॉफ्ट का क्या मतलब होता है नर्म चीज़ नर्म चीज़ जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं अपने हाथ से उसको फील करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है वो सख्त है या नरम है जैसे ये एक जो है बियर है ठीक है ये क्या है सॉफ़्ट है आप इसको हैंड लगाएंगे, टच करेंगे ये प्रेस हो रहा है इसको जैसे मर्ज़ी आप इसको प्रेस कर लें ठीक है जैसे मर्ज़ी आप इसको प्रेस करें ये सॉफ़्ट है ये आपको टच करने से सॉफ्ट फील होगा ठीक है सॉफ्ट फील होगा जबकि एक ये टॉय है ये हार्ड है ये देखें इसको जब आप टच करेंगे तो ये हार्ड है ये हार्ड मटेरियल है कौन सा मटेरियल है हार्ड है जबकि टेडी पेर के आप साथ पेंसिल टैप करेंगे तो आपको आवाज़ नहीं आ रही नहीं आ रही ना नहीं आएगी जबकि आप हार्ड चीज़ पे पेंसिल टैप कर रहे हैं तो आपको आवाज़ आ रही है इट मीन्स कि ये हार्ड है दिस इज़ अ हार्ड थिंग दिस इज़ अ सॉफ्ट थिंग हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट ये टेडी बेयर क्या है ये सॉफ्ट मटेरियल है सॉफ्ट है जब आप इसको हैंड लगाएंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा ठीक है और जबकि इस टॉय को जब आप हाथ लगाएंगे तो ये हार्ड है ठीक है क्या है हार्ड है सख्त है ये प्रेस नहीं होगा आप इसको पकड़ेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा इसको जितना मर्जी आप दबाएंगे ये प्रेस नहीं होगा जबकि आप टेडी बेयर को दबाएंगे तो ये प्रेस हो जाएगा ठीक है ये प्रेस हो जाएगा इसका मतलब है कि टेडी बेयर क्या है सॉफ्ट है और ये क्या मटेरियल है ये हार्ड है क्या है हार्ड है हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट इसी तरह अपने दो पिक्चर्स ड्रा किए हैं एक है ये फैदर पर बना हुआ है और एक में हैमर बनाया है अब आप मुझे बताएं कि फैदर क्या है सॉफ्ट है कि हार्ड है यस इट इज़ सॉफ्ट ये क्या है सॉफ्ट है पर जो होता है चिड़िया का पर आपने देखा है कितना नर्म होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो क्या होता है चिड़िया का पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जबकि हैमर जो है एक हथौड़ी हैमर बहुत ज़्यादा, है। है? ज़्यादा हार्ड होती है हैमर क्या होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हैमर क्या होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है पर क्या होता है फैदर क्या होता है एक बहुत सॉफ्ट होता है उसको आप हल्का वो हवा से भी हिल जाता है हल्की सी आप उसको पुख मारेंगे तो वो हिल जाता है ठीक है आप उसको पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल हल्के वज़न का होता है उसका कोई वेट नहीं होता ठीक है जबकि हार्ड चीज़ जब आप उठाएंगे तो उसका वेट होगा वो बहुत सख्त होगी ठीक है तो यही डिफरेंस है हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट आपने अपने घर में डिफरेंट चीज़ें देखनी है उनको टच करना है उनका वेट उठा के टच करना है कि कौन सा आप आराम से उठा सकते हैं कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है ठीक है थैंक यू सो मच